हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 60 पैसे की गिरावट दिखाता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहेगा, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट आधे परसेंट से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक में पीछे के एक हफ्ते में ये स्टॉक अराउंड 2% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहेगा, और पीछे के एक महीने में ये स्टॉक आधे परसेंट की तेजी दिखा चुका है। तो देखें तो इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि अराउंड 94.90 रुपए इस स्टॉक ने वहीं पर एक ब्रेकआउट दिया है, जहां पर फ्रेश ब्रेकआउट ही कहा जा सकता है। और यहाँ से इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल से इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है अराउंड 97 रुपए के बाद। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ट्रेड करके चलना चाहिए, जो कि अराउंड 91 रुपए, 91 रुपए का आप शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें यहाँ से इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म बाउंस बैक देखने को मिलता है तो ऊपर के टारगेट अराउंड 96 रुपए और सेकेंड टारगेट 98 रुपए तक के देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आप 90 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 110 रुपए और 120 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और इस स्टॉक में अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जहां से अराउंड 53 रुपए के बाद इस स्टॉक में एक लगातार खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अगर देखें तो पीछे के 3 महीने में इस स्टॉक में 30% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहेगा, और 6 महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 48% की तेजी दिखा चुका है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।